हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीटेर सिबीगंज बरेली में। देखिए बच्चों, हमने पिछली वीडियो में आपको बताए थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 के, और आज हम आपके लिए एक्सरसाइज 7.1 के ही क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके बचे हुए क्वेश्चन हैं। कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है मैं आपके लिए बताता हूँ। इसमें मैंने 12 तक करा दी थी, अब आपके लिए 13वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है बेटा? 13वां। और प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न ये कहता है कि एक बिंदु है P जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, और इसके अलावा एक A बिंदु दे रखा है जिसका मान है 5, 1, और एक B बिंदु दे रखा है जिसका मान है 1, 5, ये दे रखा है। अब आपसे ये बोला गया है कि अगर ये समान दूरी पर हों, कैसे हों? समान दूरी पर अगर ये समान दूरी पर होंगे, तो आपके लिए क्या ज्ञात करना है? जब समान दूरी पर हो तो आपके लिए प्रूफ करना है x बराबर y आपको प्रूफ करना है, सवाल ये कहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे बच्चे कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस PA की दूरी निकालूंगा। PA बराबर, देखो P का कोऑर्डिनेट लिख लो है x, y, और अगला है B, यहां पर A कोऑर्डिनेट 5, 1, इनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो ये है x1, इसको y1 मानो, इसको x2 मानो, और इसको y2 मानो। अब आप इसके बीच की दूरी निकालो स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1, यानी 5 - x2 प्लस y2 - y1, यानी 1 - y1 का मान है y2, ये हो गई दूरी। इसके बाद हम निकालेंगे PB, क्या निकालेंगे? PB। तो PB की दूरी निकालेंगे, P का मान है हमारे पास x, y, और B का मान है हमारे पास 1, 5, ये है 1, 5। तो हम यहां पर निकालेंगे आपके लिए, ध्यान से सुनना, इसको मानो x1, इसको मानो y1, इसको मानो x2, इसको मानो y2, ये मान लिया। अब आप क्या करेंगे, इसके भी बीच की दूरी निकालो बेटा PB, स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1, यानी 1 - x1 का मान x है का होल स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से y2 - y1, यानी y2 5 - y1 का मान y है और इसका होल स्क्वायर। अब इन दोनों दूरियों को बराबर कर देंगे क्योंकि इक्विडिस्टेंस बराबर दूरी पर है। तो देखिए हम यहां पर कर देते हैं PA बराबर PB बराबर करेंगे। तो रूट के अंदर 5 - x2 प्लस 1 - y2 बराबर में स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x2 और प्लस 5 - y2, ये हो गया। अब आपके लिए क्या करना है, दोनों तरफ वर्क कर देना है क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है। दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यानी 5 - x2 प्लस 1 - y2 बराबर 1 - x2 प्लस 5 - y2। अब इनका सबके स्क्वायर खोलेंगे, सब माइनस में स्क्वायर खोलेंगे सबके। तो स्क्वायर खोलिए, a - b2 क्या होगा, a2 यानी 25 प्लस b2 यानी x2 - 2ab। तो 2 और a का मान है 5 और b का मान है x, तो 2ab हो गया। अब ये हो गया प्लस दूसरे वाले का है 1 - y2, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस y2 और माइनस का 2ab होगा, तो ये हो जाएगा 2y बराबर। यहां करो 1 - x2, तो 1 का स्क्वायर 1 और x2 माइनस का 2ab यानी 2x। इसी तरीके से प्लस का y2 वाले में करो, 5 का स्क्वायर 25 और y2 और माइनस का 2ab यानी 2 × 5 = 10, भाई 10y हो गया। और ये भी देखो 10x है, ये 10x है, ये 10y यहां पर है। अब यहां पर क्या करना है आपके लिए, यहां पर सिंपली जो टर्म कट रही है उनको काट दो। देखो x2 यहां भी है, पॉजिटिव में x2 है, इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा।
इसी तरीके से आप देखिए, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर इधर प्लस का है, इधर भी प्लस का है, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसी तरीके से 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है, कैंसिल हो गया, बचा कितना, माइनस का 10x और माइनस का 2y बराबर में माइनस का 2x और माइनस का 2x बचा और माइनस का 10y, ये बच गया। अब यहां पर आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 10x ये माइनस का 10x है और 2x को इधर ले आओ, प्लस का 2x हो जाएगा और बराबर में माइनस का 10y है और ये 2y उधर ले जाओगे तो प्लस का 2y हो जाएगा। अब यहां पर माइनस 10x में से 2x चला गया तो माइनस का 8x बचा, यहां पर माइनस का 10y में से 2y चला गया तो माइनस का बचा 10 में से 2 गया आपके लिए 8y, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, एक्स बराबर वाई आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ये प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन, क्या हो गया बेटा, प्रूव्ड हो गया। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और ये यूपी बोर्ड में अधिकतर आता भी है, तो आप इसको सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर लें इसको, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करना सीख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इससे अगला सवाल कराते हैं, इधर देखिए, इधर की तरफ आ जाइए भाई, अगला सवाल। अब यहां पर आपके लिए 14वां सवाल है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, लिखा है कोई चार मित्र हैं, सवाल क्या कहता है, चार मित्र हैं और बैठे हुए हैं, इस तरीके से मैं बुक में आपको चित्र दिखा दूं, आपकी बुक में भी बना होगा, ये चित्र बना है इस तरीके से, लड़कियों का ए है, बी है, सी है, डी है, ये लड़कियां बैठी हुई हैं, ध्यान से देख लो आप, और इसमें हमें ए का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, बी का, सी का, डी का, ये सबके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे और ये बताना पड़ेगा कि ये क्या बना रहे हैं। तो मैं कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, आप बुक में देखना ए वाला पॉइंट किधर है, पहले मैं ए पॉइंट लिखता हूं, ए पॉइंट लिखूंगा तो एक्स एक्सिस पर इसके लिए आपके लिए दूरी है 3, कितनी है यहां पर 3 है, आप देख लेना बुक में, एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी 3 होगी ए पॉइंट के लिए, और वाई पॉइंट के लिए यहां पर वाई पर है 4 चला हुआ, तो वाई पर है 4 तो मैं 4 लिख देता हूं, वाई कोऑर्डिनेट हो गया 4। इसी तरीके से बी का लिखेंगे तो B का पॉइंट रहेगा यहां पर, B के X दूरी चली गई है 6 और Y दूरी चली गई है 7, आप बुक में देखना B पॉइंट के लिए X पर 6 और Y पर 7 होगी। इसी तरीके से मैं C की जब देखूंगा तो C की जब देखूंगा, C का पॉइंट मिल रहा है हमें 9 और 4 मिल रहा है, X एक्सिस पे 9 और Y एक्सिस पे 4। ऐसे ही D पॉइंट के लिए, तो D पॉइंट के लिए क्या है, D पॉइंट पर आपके लिए है 6 और Y पर है 1, तो x पर 6 है और y पर है आपके लिए 1, y पर है 1, ये बिंदु हो गए। अब इन बिंदुओं को हमने लिख लिया है और आपको बताना है कि ये क्या बनाते हैं, यानी इन ए बी सी डी बिंदु से जो लड़कियां बैठी हुई हैं उनसे स्क्वायर बनेगा, वर्ग बनेगा, या आयत बनेगा, या क्या बनेगा। अब इसका निकालने के लिए आपको सभी दूरियां निकालनी पड़ेंगी, यानी दूरी कौन सी, ए और बी की दूरी, पहले ए बी निकालो, ए पॉइंट लिख लो 3.4, बी पॉइंट लिख लो 6.7। अब आप इसकी दूरी निकालोगे तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, तो निकालो रूट के अंदर x2 माइनस x1 यानी 6-3 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 यानी 7-4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके लिए 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर यानी 3 × 9 + 9 तो रूट के अंदर आ गया 18, ये रूट 18 आ गया। इसी तरीके से हम ए बी हो गया, बी सी निकालेंगे तो बी सी की दूरी निकालो, बी का पॉइंट है आपके लिए 6.7 और सी का पॉइंट है आपके लिए 9.4, इनके बीच की दूरी निकालेंगे, इसको एक्स वन, इसको वाई वन, इसको एक्स टू, इसको वाई टू, तो रूट के अंदर 9-6 का होल स्क्वायर प्लस 4-7 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गया -3 का स्क्वायर और ये 3 × 9 और प्लस 3 3×9 ये रूट के अंदर 18 आ गया।
इसी तरीके से आपने देखा दोनों दूरियां बराबर हैं। अब हम आपको तीसरी दूरी निकाल के दिखाते हैं। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब सी डी निकालेंगे। सी बिंदु क्या है 9.4 और डी बिंदु है 6.1। इसे एक्स वन मानो, इसे वाई वन, इसे एक्स टू और इसे वाई टू। अब क्या करेंगे, रूट के अंदर एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू का मान है 6 माइनस एक का होल स्क्वायर और 6 यहाँ पर ये वाला पॉइंट आएगा 6 माइनस 9, क्योंकि एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन, यानी वाई टू का मान है 1 माइनस वाई वन का मान है 4 स्क्वायर। स्क्वायर रूट के अंदर 6 में से 9 गया तो माइनस का 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 गया माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया 3 × 9 और प्लस 3 × 9 यानी रूट के अंदर 18। ये भी रूट के अंदर 18 आ गया। अब इसी तरीके से हम डी ए निकालेंगे। डी बिंदु है हमारे पास 6.1 और ए बिंदु है हमारे पास 3.4, इसके बीच की दूरी निकालेंगे। निकालो 3 − 6, क्योंकि एक्स टू माइनस एक्स वन होता है, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, यानी 4 − 1 का होल स्क्वायर। तो 3 में से 6 गया माइनस का 3 का स्क्वायर और प्लस 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, यानी 3 × 9 प्लस 9 यानी √18। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे चारों दूरियां बराबर आई हैं, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर √18। यानी चारों दूरियां जब बराबर आई हैं तो ये कैसा बनेगा, ये वर्ग बनेगा। क्या बनेगा, वर्ग। यानी इस तरीके से √18 ये भी है, √18 ये भी है, √18 ये भी है, √18 ये भी है, 18 18 सभी आ गए, तो ये आपके लिए वर्ग बनेगा। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था मैंने आपके लिए करवा दिया कि यहाँ पर जो वो बैठे हुए जो लड़कियां हैं वो एक वर्ग बनाएंगी। तो बेटा आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी तरीके से हम आपका पूरा सिलेबस अपलोड करेंगे इस पर। हाई स्कूल का, इंटर का पूरा सिलेबस आपको मिलने वाला है। अभी मैं हाई स्कूल का पढ़ाऊंगा, फिर आपके लिए इंटर का चलेगा। तो आप हाई स्कूल का अभी पूरा सिलेबस पढ़ेंगे और हमारी वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो आई होप आप ये दोनों क्वेश्चन समझ गए होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे आपके लिए। और डेली आपको एक वीडियो मिलेगी हमारी जिसमें आपके पार्ट से चलता है, आप पार्ट देख लेना। हर वीडियो में आपको दिखाई देगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, आप उसको डेली देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।